हेलो स्टूडेंट्स साइंस में हम चैप्टर फ़ोर मेटेरियल्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं लास्ट टाइम हमने मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी किया था कि जो मेटल्स हैं वो शाइनी होती हैं एंड वेरी हार्ड होती हैं इस टेबल में जो भी मेटल्स हैं आयरन एलूमीनीम कॉपर उसमें हमें शाइनी लिखना है साइनी एंड वेरी हार्ड ये वेरी हार्ड भी होती हैं मेटल्स इसके अलावा स्टूडेंट्स जो नॉन मेटल्स बच गए हमारे कोल सल्फ़र को, कोल एंड सल्फ़र ये हमारे डल हैं एंड नॉट वेरी हार्ड इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने मेलाबिलिटी प्रॉपर्टी भी स्टडी की थी ये सभी फिज़िकल प्रॉपर्टी हैं स्टूडेंट्स मेटल्स की मेलाबलिटी प्रॉपर्टी में क्या था कि जब मेटल्स को बिटन किया जाता है तब वो फ्लैटन होनी स्टार्ट हो जाती हैं आयरन नेल एलुमिनियम वायर को जब हम बिटन करेंगे तो ये फ्लैटन्स सोनी स्टार्ट हो जाएंगी इसके अलावा जो कोल पीस है पेंसिल लीड है जब इनको बिटन करेंगे तो ये ब्रेक हो जाते हैं सो स्टूडेंट्स ये को हम फिज़िकल प्रॉपर्टी कहते हैं इसके अलावा और भी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी होती हैं आपने अगर आगे रीड किया होगा चैप्टर को तो पता लगा होगा हमें और कौन सी फिज़िकल प्रॉपर्टी पाई जाती हैं आगे रीड करते हैं चैप्टर को कैन यू होल्ड ए हॉट मेटलिक पेन विच इट विदाउट ए प्लास्टिक और ए वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट कि स्टूडेंट्स क्या हम किसी मेटलिक पेन को जो फ्राई पैन होता है किचन में मेटल का होता है क्या हम उसे होल्ड कर सकते हैं बिना किसी प्लास्टिक या वुडन हैंडल के और हमें कोई हर्ट भी ना हो प्रेप्स नोट नहीं कर सकते स्टूडेंट्स वाई रीज़न क्या है क्योंकि वो होट होता है यस ट्राई टू लिस्ट सम अदर एक्सपीरियंस इन विच ए वुडन और प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम बींग हर्ट वाइल्ड हैंडलिंग होट थिंग्स इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको और भी एक्सपीरियंस होंगे कि जब प्लास्टिक या वुडन का हैंडल हमें प्रोटेक्ट करता है किसी से हर्ट होने से हमें चोट लगने से जलने से बचाता है जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर या कंटेनर कोई फ्राई पैन है या तवा है जो उस पर वुडन का हैंडल होता है या प्लास्टिक का हैंडल होता है जिससे हमें उसको पकड़ने में आसानी रहती है हम हर्ट नहीं हो पाते ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्सपीरियंस वट कैन यू से अबाउट द कंडक्शन ऑफ हीट बाय वुड एंड प्लास्टिक तो इन एक्सपीरियंस के बेस पर हम वुड और प्लास्टिक में हीट कंडक्शन के बारे में क्या कह सकते हैं कि ये दोनों ही हीट कंडक्शन के क्या हैं कि ये दोनों ही हीट कंडक्शन के पुअर कंडक्टर हैं इनमें से हीट इज़िली पास नहीं होती पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड फूड एंड प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट तो ये दोनों ही स्टैंड नॉन मेटल हैं तो इसके अपोजिट जो मेटल्स होती हैं उनके बारे में क्या कह सकेंगे कि मेटल्स गुड कंडक्टर होती हैं हीट की कि जैसे देखा कि जो मेटलिक पैन है कंटेनर है कोई मेटल का वो हॉट हो जाता है उसको हम टच नहीं कर सकते यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रिशियन यूजिंग दिस हिज स्क्रू ड्राइवर वट काइंड ऑफ हैंडल डज़ इट हैव और आपने देखा होगा स्टेंट्स कि जो इलेक्ट्रीसियन है जो स्क्रू ड्राइवर यूज़ करता है पैंचकस यूज़ करता है उस पर किस टाइप का हैंडल लगा होता है और क्यों लगा होता है कि आपने देखा उस पर प्लास्टिक का हैंडल लगा होता है और क्यों लगा होता है लेटस फाइंड आउट इसको हम एक्टिविटी से समझ लेते हैं रिकॉल हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू टेस्ट वेदर इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू ओन ऑब्जे एन ऑब्जेक्ट और नोट कि आपने इस तरह का एक इलेक्ट्रिक टेस्टर बनाया था क्लास सिक्स में जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में चेक करते हैं कि जैसे हमने आयरन नेल लगा के देखा बल्ब ग्लो कर गया तो इसका मतलब आयरन नेल में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है यहाँ पर हम बाकी कुछ भी कोई भी ऑब्जेक्ट लगा के देखते हैं और ये पता लगा सकते हैं अगर बल्ब गलो करता है तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है अन्यथा नहीं यू माइट परफॉर्म दिस एक्टिविटी विद वेरियस ऑब्जेक्ट्स इन क्लास सिक्स कि क्लास सिक्स में हमने बहुत टाइप के ऑब्जेक्ट इस तरह से लिए थे और पता लगा था किसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती किसमें से नहीं नाउ रिपीट द एक्टिविटी विद द मेटेरियल्स इन टेबल फोर पॉइंट थ्री ऑब्जेक्ट एंड ग्रुप these materials into good गुड कंडक्टर्स एंड conductors. कंडक्टर्स नाउ table टेबल फोर पॉइंट थ्री में जो मेटेरियल्स दिए गए हैं उनको हम इस टेस्ट में यूज करके देखें और पता लगाएं कि कौन से गुड कंडक्टर हैं कौन से पोअर कंडक्टर हैं टेबल फोर पॉइंट थ्री के एडिंग है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटेरियल्स इसमें हम आयरन रोड या आयरन नेल लेंगे तो आयरन नेल में से स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है तो ये हमारा गुड कंडक्टर हो गया सल्फर कोल पीस एंड कॉपर वायर इन मटेरियल में से क्या कहेंगे कॉपर पीस कॉपर वायर में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी गुड कंडक्टर इसके अलावा स्टूडेंट्स इन में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी बलम गलो नहीं करेगा तो ये दोनों ही क्या कहलाएंगे पुअर कंडक्टर तो आप इसमें टेबल में फिल कर सकते हैं यू ऑब्जर्व दैट आयरन रोड नेल एंड कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर्स वाई रोल्ड सल्फर पीस एंड कोल पीस आर पुअर कंडक्टर तो इस रसे में गुड कंडक्टर पोअर कंडक्टर का पता लग गया कि जो मेटल्स हैं वो क्या होती हैं गुड कंडक्टर्स एंड नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर्स तो ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी स्टेंट्स ओ द मीनिंग ऑफ रिकॉलिंग अवर एक्सपीरियंस सीच एंड देन ऑफ दिस एक्टिविटी वाज टू शो दैट मेटल आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी वी लर्न दिस इन क्लास क्लास क्लासिक्स में भी स्टूडेंट्स हमने इस बात को लर्न कर लिया था कि जो मेटल्स हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों की गुड कंडक्टर होती हैं तो मेटल्स का पता लग गया हमें स्टूडेंट्स तो नॉन मेटल इसके अपोजिट हो गए कि नॉन मेटल पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी वेयर डू यू फाइंड द व्यूज ऑफ एलुमिनियम एंड कॉपर वायर्स कि एलुमिनियम एंड कॉपर वायर्स का यूज क्या है कहाँ यूज होती हैं हैव यू सीन वायर्स ऑफ कोल क्या कोल की वायर्स देखी हैं डेफिनेटली नोट कि हमने कोल की वायर्स नहीं देखी हमने ये वायर देखी हैं तो एलुमिनियम की या फिर कॉपर की द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाई विच इट कैन बी ड्रॉन इन टू वायर्स इट का डक्टिलिटी सोस्टेंट्स इसको डक्टिलिटी प्रॉपर्टी कहते हैं कि मेटल्स को जब ड्रान करके खींच के उनको वायर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो इसे डक्टिलिटी प्रॉपर्टी कहा जाएगा हैव यू एवर नोटिस द डिफ्रेंस इन साउंड सो स्टूडेंट डक्टिलिटी जो प्रॉपर्टी है पहले उसको समझ लीजिए डक्टिलिटी प्रॉपर्टी जब मेटल्स को मेटल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाएगी क्योंकि मेटल्स को जब ड्रान करेंगे तो वायर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो नॉन मेटल में इस तरह की प्रॉपर्टी देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि कोल को जब ये करेंगे खींचेंगे उसको तो ब्रेक हो जाएगा सो स्टूडेंट्स डक्टिलिटी इज ए ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ओनली मेटल आगे स्टूडेंट्स हैव यू एवर नोटिस द डिफरेंस इन साउंड ऑन ड्रॉपिंग एन आयरन सीट प्लेट ए मेटल क्वाइन एंड ए पीस ऑफ कोल ऑन फ्लोर कि आपने इस तरह की ऑब्जेक्ट्स की मेटेरियल्स की साउंड सुनी होगी कि आए कोई सीट आयरन की सीट है या आयरन की कोई प्लेट है या मेटल का क्वाइन है जैसे कोई भी दो पाँच दस रुपए का जो सिक्का है मेटल का क्वाइन या कोई पीस है कोल का कोल पीस कोयले का कोई टुकड़ा है जब वो फ्लोर पे गिरते हैं तो उनकी साउंड कैसे आती है इफ़ नॉट यदि नहीं सुनी है यू कैन इट नाउ सुन सकते हैं डू यू नोट एनी डिफरेंस इन द साउंड ऑफ प्रोड्यूस्ड कि इनकी साउंड में क्या डिफरेंस हैव यू सीन वुडन बैल्स इन टेम्पल्स कैन यू गिव ए रीजन की टेम्पल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स क्या उसमें वुडन बैल देखी हैं लकड़ी की नो no, नहीं देखी है कैन यू गिव रीजन इसका क्या रीजन है द थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस्ड ए रिंग साउंड साउंड आती है मेटल्स में से वैन स्ट्रक हार्ड जब उनको स्ट्रक करते हैं तो उनमें से रिंगिंग साउंड बजने की साउंड आएगी मेटल्स में से सपोज यू हैव टू सिमिलर इन वन मेड ऑफ वुड एंड वन ऑफ मेटल कि दो बॉक्स हमारे पास एक वुड से, से बना है एक मेटल से बना है कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड ऑफ मेटल By striking both the boxes. कि दोनों दिखाई देने में, में दोनों सेम है दिखाई देने में लेकिन पता कैसे लगे कि कौन सा बूढ़ का है कौन सा मेटल का है तो क्या कैन बता सकते हैं कि कौन सा बॉक्स मेटल से है किस तरह से बताएंगे स्टूडेंट्स यस उसकी साउंड से, से मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड दे आर सेड टू बी सोनोर्स ये प्रॉपर्टी आ गई स्टूडेंट सोनोर्स प्रॉपर्टी रिंगिंग साउंड सोनोर्स प्रॉपर्टी से रिलेटेड है द मेटेरियल अदर देन मेटल्स आर नॉट सोनोर्स कि जो मेटल के नहीं हैं जो नॉन मेटल हैं उनमें सोनोर्स की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती उनमें रिंगिंग साउंड नहीं आएगी सो स्टूडेंट्स ये थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी आज आपको यहीं तक रिवाइज कर लेना है इन सभी फिजिकल प्रॉपर्टी को अच्छे से लर्न कर लेना है आफ्टर परफॉर्मिंग द अबो एक्टिविटी वी कैन से दैट सम मेटेरियल्स आर हार्ड लस्टर मेलाबल एंड डुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी द मेटेरियल्स विच जनरली जर्नरलीसेसिस दीज प्रॉपर्टी आर कॉल्ड मेटल्स द एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स आर आयरन कॉपर एल्यूमिनियम कैल्शियम मैग्नीशियम एक्सेट्रा इन कंट्रास्ट मेटेरियल्स लाइक कोल एंड सल्फर आर सॉफ्ट एंड डल इन एप्रेंस दे ब्रेक डाउन इन टू पावर पाउडरी मास ऑन टैपिंग विद ए हैमर कि जो नॉन मेटल है वो ब्रेक हो जाते हैं दे आर नॉट सोनोर्स एंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दीज मेटेरियल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर सल्फर कार्बन ऑक्सीजन फॉस्फोरस एक्सेट्रा सो so स्टूडेंट्स ये थे हमारे मेटल एंड नॉन मेटल की प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी बट स्टूडेंट्स कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जो इसे प्रॉपर्टी से इन अलग होती है उनको एग्जैम्सन कहा जाता है कि मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटासियम इन दो के नाम आपको याद रखने सोडियम एंड पोटासियम ये मेटल्स हैं लेकिन आर सॉफ्ट ये सॉफ्ट होती हैं कैन बी कट विद नाइफ इतनी सॉफ्ट हैं कि नाइफ से कट कर सकते हैं जबकि मेटल्स के बारे में क्या स्टडी किया कि वो हार्ड होती हैं बट स्टूडेंट्स दीज आर एग ये एग्जैम्पन हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं अपना रही हैं लेकिन फिर भी इनको मेटल सी कहा जाता है एंड मर्करी इज़ ओनली मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर कि मरकरी रूम टेम्परेचर में ही लिक्विड स्टेट में आ जाती है मेल्ट हो जाती है तो ये एग्जाम्सन है स्टेंट्स कि जो मर्करी है वो एक ऐसी मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर ही लिक्विड स्टेट में आ जाती है तो ये थ्री मेटल्स आपको याद रखनी है सोडियम पोटासियम सॉफ्ट है एंड मर्करी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है मेल्ट हो जाती है सो स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक रिवाइज करना है आगे रीड करना है केमिकल प्रॉपर्टीज़ नेक्स्ट टाइम हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे ओके स्टूडेंट थैंक यू